ठीक है, देख लो क्वेश्चन क्या ले लिया, लिख लो उसको। क्या बोल दिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट फोकस ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, ये वाला पैराबोला एंड विच टचेस द पैराबोला। ओके, तो चलो सबसे पहले तो क्या किया, पैराबोला बना दिया, ऐसे पैराबोला बनेगा। ठीक है, यहाँ से 4a कितना आ गया, 4a इज इक्वल्स टू 8 आ गया, मतलब a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। सही है, तो a अगर 2 आ गया मतलब फोकस कहाँ है यहाँ पर, 2,0 पे है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, सेंटर मुझे फोकस पे लेना है, तो मुझे सर्कल के सेंटर तो मिल ही गए, बस अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो अगर यहाँ पर मुझे रेडियस चाहिए और यहाँ पर एक चीज़ क्या बोल दिया, विच टचेज द पैराबोला, तो मुझे ये बताओ यहाँ पर कैसे टच करना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ इस तरह से पैराबोला ले लिया, फोकस पे मुझे करना है, तो क्या ये ऐसे बनेगा? ठीक है, समझ में आता है क्या कर रहे हैं? ओके, या क्या ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर इधर से ऐसे बना लिया इसको, इस तरह से टच करके ऐसे बना लिया इसको। ठीक है, क्या ये ऐसे बनेगा या क्या ये इस तरह से बन जाएगा ऐसे, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए मुझे ये बताओ। मतलब ये वाला क्या बोल दिया, देखो इस तरह से ऐसे, क्या ये ऐसे बन जाएगा? ओके, तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन देखो, पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्यों? तो जाओ पीछे वाले प्रॉपर्टी में जाओ, पीछे वाला अभी जो हमने पढ़ा फोकस, फोकल रेडियस, उसमें जाओ। अगर ये सर्कल बढ़ते जाएगा, देखो ध्यान दो इधर, अगर ये सर्कल इस तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो कोई ना कोई एक पॉइंट पे तो ये टच करेगा ही करेगा, ये चीज समझ में आता है? और कोई ना कोई एक पॉइंट पे टच करेगा, तो ये तो उसी पॉइंट पे टच करेगा जो सबसे पास में है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सबसे पास में कौन होता है, वर्टेक्स ही होता है। तो अगर वर्टेक्स ही सबसे पास में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सही हो गया थर्ड वाला ऑप्शन। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? ये वाला तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या बोल दिया कि ऊपर सबसे पहले टच कर गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला का फोकल रेडियस कितना होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, फोकस से किसी भी इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वही तो रेडियस होगा बेसिकली। तो ऐसा हो ही नहीं सकता फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्यों? क्योंकि सबसे पहले टच किसको करना है, उसको वर्टेक्स को करना है, तो ऊपर नीचे तो टच कर ही नहीं सकता। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? और दूसरा वाला भी ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो गया, देखो यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये टच तो कर रहा है, पर बाकी जगह इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कैसे कर सकता है? अगर वर्टेक्स सबसे छोटा है, फोकस के नियरेस्ट है, तो सबसे पहले उसको टच करेगा, बाकी जगह तो वो हाथ ही नहीं लगा पाएगा, ये चीज समझो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से बना रखा है, तो सबसे पहले ये ऐसे बनेगा, मतलब सबसे पहले जाके ये फोकस पे टच होगा, फोकस पे टच होगा मतलब सॉरी वर्टेक्स पे टच होगा। आ रहा है इसी समझ में? तो अगर हमें पता चल गया कि ये जाके सबसे पहले वर्टेक्स पे टच हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ही तो हो जाएगी, और वर्टेक्स और रेडियस के बीच की डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज टू, और यही मेरे लिए क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये चीज समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लग रहा क्वेश्चन बहुत ईजी है, गलती हो सकती है इसमें। ओके, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, सेंटर मुझे क्या मिल गया, 2,0 जो कि फोकस है, रेडियस कितना मिल गया, 2, जिस जो फोकस की डिस्टेंस किससे, वर्टेक्स है, तो फिर तो तुम लिख सकते हो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। आई होप दिस इज क्लियर। ओके फाइन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्या बोल दिया, लेट अ सर्कल टचेस अ गिवन सर्कल विथ रेडियस R1। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ में आना चाहिए, जब भी मैं बोलता हूँ गिवन, कोई भी चीज गिवन बोलता हूँ उसका मतलब वो फिक्स है, और साथ में अगर रेडियस R1 बोल दिया तब तो ऑब्वियसली फिक्स हो गया। ठीक है, इस चीज़ का तो मैं शायद मैंने पहले ही बताया था तुमको। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोल दिया, एंड ऑल्सो टचेस अ गिवन लाइन, मतलब ये भी फिक्स है। देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ वेरिएबल सर्कल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले चलो सॉल्यूशन लिख लिया, एक सर्कल होगा ये गिवन है, जिसका रेडियस कितना है यहाँ पर, R1 है। फिर एक सर्कल है जिसको टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि एक सर्कल इसको ऐसे एक्सटर्नली टच कर रहा होगा। ठीक है, और साथ में किसको टच कर रहा है, एक लाइन को भी यहाँ पर टच कर रहा है, जो कि गिवन लाइन है, मतलब लाइन यहाँ पर फिक्स है, सर्कल यहाँ पर फिक्स है, बस फिक्स कौन नहीं है, ये बीच वाला सर्कल फिक्स नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया इसका सेंटर क्या होगा, C1, इसका सेंटर मैंने C बोल दिया, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, लेट से R, R भी वेरिएबल होगा। ओके, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि ये टच कर रहा है, टेंजेंट है, तो ये भी कितना होगा, R होगा। तो मुझे क्या करना है, सेंटर का लोकस बताना है, मतलब बेसिकली मुझे नेचर बताना है उसका, नेचर यहाँ पर क्या है। तो दिमाग में पहली बात तो ये आ गई कि पैराबोला चल रहा है तो पैराबोला ही होना चाहिए, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर समझो ये क्वेश्चन अगर
एज अ इंडिविजुअली एग्जाम में आता है तब तो तुम्हें सोचने पे ये मजबूर कर देगा। ओके तो चलो क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं इस पे। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंटर, ठीक है, ये सेंटर और सी वन की डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर ये एक्सटर्नल टच कर रहा है तो ये भी क्या यहाँ पर रेडियस आर वन ही है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा आर प्लस आर वन। सही है, ये तो मैंने सेंटर के प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ जो हमने पढ़ा था कि अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ द रेडियस होता है। ठीक है, पर अगर मैंने समझो इसको यहाँ पर चलो एम ले लिया, तो यहाँ से सी एम कितना हो गया, आर हो गया। ओके मतलब किससे, लाइन से यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गई, आर हो गई। मुझे क्या करना है, सेंटर सी का, ठीक है, सेंटर सी का लोकस बताना है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे, थोड़ा सा अटपटा है पर समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, इससे एक पैरा लाइन बनाई, ये जो लाइन दिख रही है इससे एक यहाँ पर एक पैरा लाइन बना दी। ठीक है, पैरा लाइन बना दी और कितनी डिस्टेंस में बना दी इसको, आर वन डिस्टेंस में बना दिया मैंने। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अगर यहाँ पर मैं पैरेलल लाइन बना रहा हूँ और आर वन डिस्टेंस में बना रहा हूँ, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन भी तो फिक्स ही होगी, ये थोड़ी ना होगा कि ये वाली लाइन मूव कर रही है। किसी पैरेलल लाइन के एक ऊपर तुमने पैरेलल लाइन बना दी और उनकी अगर बीच की डिस्टेंस तुमने फिक्स कर दी है, इसका मतलब लाइन भी तो फिक्स हो गई। हाँ, अगर बीच की डिस्टेंस फिक्स नहीं होती तब मैं बोल सकता था कि ये लाइन क्या हो सकती है, आगे पीछे मूव कर सकती है। स्लोप तो फिक्स ही होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला इसका जो स्लोप होगा वही तो इसका स्लोप होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ क्या पता चल गया कि चलो मैंने यहाँ पर क्या लिया था, सबसे पहले तो सी एम लिया था, मैंने बोला सी एम ना छोड़ के, सी एम ना लेके, मतलब एम को छोड़ के तुम क्या करो एन ले लो, मतलब मैंने यहाँ पर क्या बोला सी एन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा आर प्लस आर वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यह है, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, अब तुम देखो अगर मैं डायग्राम को अलग से बनाता हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ से देखो सी वन फिक्स है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक ये जो लाइन है ये भी फिक्स है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है आर प्लस आर वन है, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है आर प्लस आर वन है। तो मुझे बताओ ऐसा पॉइंट का लोकस जो एक पॉइंट से और एक जो लाइन से सेम डिस्टेंस बना दे, तो उस लोकस का नेचर क्या होगा, सीधी सी बात है वो पैराबोला होगा। अरे समझ में मैंने क्या बोला, मतलब यहाँ से क्या मिल गया मुझे, सी सी वन इज इक्वल टू, ये मैंने एन ले रखा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सी एन हो जाएगा। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, द नेचर ऑफ सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, द नेचर ऑफ ऐसे लिखना चाहिए लोकस, राइट, लोकस निकाल रहे हैं, द नेचर ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी पैराबोला। आ रहा समझ में क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी थ्योरी टेस्ट करती है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज होती है, ठीक है, थ्योरी समझना अलग चीज होती है। आगे चल के जैसे थोड़ा बहुत छोटा क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था फाइंड लेटेस्ट एटम फाइंड करो, ठीक है, फाइंड एवरीथिंग, वो तो चलो ठीक है कर सकते हो, दो तीन चार क्वेश्चन किया प्रैक्टिस हो गई समझ में आ गया, पर ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर नहीं होगी फिर तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है ये। ठीक है, अभी तो पैराबोला चल रहा है इसलिए मैंने बोला हाँ चलो पैराबोला ही होगा, पर अगर एग्जाम में आता है तब तो तुम्हें सोचने पर वो मजबूर करेगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया, लेट द टू पैराबोला हैव अ सेम फोकस, ठीक है, and their directrices are x axis and y axis, okay, then prove that their point of intersection lie on y is equals to x. to chalo pehle sabse pehle to main diagram banata hu, bina diagram banaye to kuch samajh mein nahi aata. let two parabola have a same focus, focus dono ka same hai aur directrix yahan par kya hai, jaise kisi ek ki agar x axis hai to aise kuch ban raha hoga, right, theek hai, thoda sa dur banta hai, directrix ko touch thodi na karta hai, thoda sa dur banta hai, theek hai, aur iska let's say ki iska focus kidhar ho gaya, ye ho gaya iska focus, ओके और क्या बोल रखा है, फोकस सेम है। दूसरा पैराबोला जो है उसके लिए वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस से थोड़ा सा दूर बनाया तो हो सकता है कुछ इस तरह से बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो कुछ, ठीक है, ऐसे बना दिया ये, ठीक है, ऐसे बना दिया, इस तरह से बना दिया, आई होप दिस इज फाइन। फिर यहाँ पर इसने क्या बोल दिया कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बताओ कि वो वाई इज इक्वल्स टू एक्स पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पकड़ लेते हैं, जैसे इसको मैंने क्या बोल दिया, पी बोल दिया, ये यहाँ पर क्या है फोकस, दोनों के लिए फोकस क्या है सेम है। ठीक है, हो सकता है कि पैराबोला इतना सही नहीं बना हो,
जितना लग रहा है देखने में, ठीक है। हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो, ये ऐसा हो जाए, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जब हमने बनाया है, यहाँ पर तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, हो सकता है तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो, सिर्फ दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रफ डायग्राम बना रहे हैं, ओके। दोनों का फोकस सेम है, फाइन। तो देखो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात तो मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, एम वन बोल दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैंने क्या बोल दिया, एम टू बोल दिया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर से ज्वाइन कर दिया, ओके। तो अगर मैं पी वाले पॉइंट के लिए बात करता हूँ, ठीक है, पी वाले पॉइंट के लिए बात करता हूँ, चलो इस वाले को मैंने क्या बोल दिया, ये पैराबोला वन हो गया, ये पैराबोला क्या हो गया, टू हो गया, सही है। तो पैराबोला वन के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो ये जो पी की, ये जो पी है, ये तो पैराबोला पे लाई कर रहा है, ठीक है, और फोकस से इसकी जो डिस्टेंस होगी और जो डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये इसके लिए क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, राइट, ये इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, पी एस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, पी एम वन आ गया, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी फर्स्ट पैराबोला के लिए। वैसे ही सेकेंड वाले के लिए भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो पी एस होगा, पी एस तो कॉमन ही होगा दोनों के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यहाँ पर कॉमन है और फोकस भी कॉमन है, इसलिए पी एस कॉमन है। ये किसके बराबर होगा, ये पी एम टू होगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायग्राम में देखो, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है पी एम वन इज इक्वल्स टू पी एम टू। तो मुझे बताओ अब पी जो पॉइंट होगा उसकी क्या खासियत है। यहाँ से मुझे ये पता चला कि पी की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, वही सेम डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, ठीक है। मतलब समझो अगर मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहाँ पर एक्स एक्सिस से भी क्या है, सेम है, वाई एक्सिस से भी क्या है, सेम है। तो मुझे ये बताओ अगर एक्स एक्सिस से भी सेम है, वाई एक्सिस से सेम है, तो ये तो सीधी सी बात है कि इसको वाई इज इक्वल्स टू एक्स पे तो लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी कितना होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, दोनों की डिस्टेंस सेम होगा। तो बस प्रूफ हो गया, ये चीज बहुत इजीली प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, इसको चलो लिख लेते हैं, ऐसे लिख लिया, एज डिस्टेंस ऑफ पी इज इक्वल फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, hence p will lie on y is equals to x, again theoretical type of question, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब